मुख्यमंत्री के आदेशों को नहीं मानते कानपुर के अधिकारी, बस्ती उजाड़ने से दर दर भटकने को मजबूर एक दर्जन गरीब परिवार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ साफ निर्देशित किया था कि यूपी में बुलडोजर किसी भी गरीब के घर पर नहीं चलेगा जब तक उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती। उसके बावजूद कानपुर नगर निगम के अधिकारियों को सीएम के आदेश की कोई परवाह नहीं है और ना ही वार्ड 80 क्षेत्रीय पार्षद व विधायक को। गरीब के घरों में चले बुलडोजर पर उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हम सब गरीब परिवार अब रोड पर पड़ी अपनी गृहस्थी और छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर कहां भटकेंगे, कौन सुनेगा हमारी समस्याओं को। उन गरीबों की बस्ती में बुलडोजर चलने से मानो उनका सब कुछ उजल गया हो। रोते बिलखते बच्चे, बुलडोजर चलने से कहीं गृहस्थी का सामान न दब जाए इसलिए जल्दी जल्दी में अपने हाथ पैर तक की चिंता न की और चोटिल हो गए। क्षेत्रीय पार्षद को ना तो उनका दर्द दिखा न रोते बिलखते मासूम बच्चे, अपनी जनता का साथ छोड़ दिया। विधायक से गुहार लगाई तो सरकारी काम पर हस्ताक्षेप न करने की बात कहकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। ऐसे में देखना होगा कि सीएम की अवहेलना करने वाले भाजपा के पार्षद वो अधिकारियों की नींद कब खुलेगी। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ इन अधिकारियों पर कोई एक्शन लेंगे? ये एच ब्लॉक चौराहा कच्ची बस्ती है बाबूपुरवा की। यहाँ पे हम लोग रहते हैं, 50-60 साल हो गए यहाँ। बाबा लोग रहते थे, हम लोग यहीं पे बचपना गुजरा हम लोग का। अभी एक महीना पहले नोटिस आई थी कि अपना अपना घर खाली कर दो, तो हम लोग कहाँ जाते सर, कोई जगह नहीं, हम लोग एक बार रहने के लिए नहीं, जरा जरा बच्चे हैं, काम धंधा भी नहीं चल रहा है। फिर हम लोग ने हाथ पैर जोड़े तो कहे ना कि अच्छा थोड़ा सा नाला साइड का खोल के निकालेंगे। हम लोग मान गए, ठीक है। नाला खुल गया, पूरा पूरा घर गिरा दिया गया। हम लोग के भाइयों के चोट लग गई, बच्चों के चोट लग गई, और हम लोग ने हाथ पैर जोड़ा कि एक एक कमरा छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है। अब कल फिर बुलडोजर ले आए, पूरा पूरा एक घर गिरा दिया गया। उसमें एक ईंटा सामान निकालने मेरे भाई के पैर में लग गया, उसका पैर वैर फट गया सब, और बिटिया के भी सर फट गया हम लोग की। और खाना आना नहीं बना पा रहे हैं। आटा रखा था वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे आटा बना रहे थे, सुअर आटा भी घसीट ले गई, पन्नी में रखे थे वो सब भी चला गया। नहीं मिला ना आवास मिली है, ना आवास मिला है और ना बुलडोजर चल गया। हम लोग को रहने के यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। गरीब आदमी, हाथ पैर भी टूटे हैं, लूले लंगड़े भी हैं, उसमें भी कोई ठिकाना नहीं है। हम कहाँ जाएं, किसका सहारा करें? किसी के पास कोई है, किसी के पास नहीं कोई है, कोई परिवारदार है, कोई नहीं है। तो कितने परिवार रहते हैं आप लगभग? 22 परिवार रहते हैं। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? आप लोगों के घर तोड़ हम मुख्यमंत्री जी कहीं योजना कहीं सहारा दें तो हम लोग जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग तो बेघर हो गए। बरसात के समय है, हमारे नान नान बच्चे हैं, हम लोग के भी पैर में चोट लग गई है। न कमाना ठिकाना, न खाना ठिकाना। मुख्यमंत्री ने कहा था कि आवास गिराएंगे तो आवास देंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही गिरवा दिया है, आवास दिया नहीं है। पार्षद में और कोई अधिकारी? कोई अधिकारी यहाँ आया नहीं है। पार्षद क्या? बिरजेश आए थे तो उन्होंने बोला एक एक कमरा छोड़ देंगे, बाद में बोल रहे हैं ये सब हटा लो, वो भी गिरा देंगे। पार्षद यहाँ नहीं आए थे। हम लोग वहाँ गए थे विधायक जी के यहाँ, उन्होंने एक पर्चा दे दिया, वो भी फर्जी है, उसमें कोई कॉलोनी मिलनी नहीं है। 10 साल का इंतजार हम नहीं कर पाएंगे ऐसे बरसात में। क्या बोले थे जब उन्होंने पर्चा दिया? बोल रहे थे कि मकान खाली कर दो और कॉलोनी भर के फार्म मेरे पास ले आना, हम सोचेंगे देखेंगे प्रयास करेंगे। अब बताए अब हम कहाँ जाए, हमारे लोग का कोई ठिकाना नहीं। योगी जी कहीं हमको सहारा दे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।